दोस्तों इस वक्त हम आ गए हैं वडोदरा के वासना रोड पर, जो कि स्थित है ये श्रीजी फैंसी डोसा। तो ये पूरा ये जो है ये पूरी जगह एक डोसा डिशेस की है। यहाँ पर आपको सिर्फ साउथ इंडियन डिशेस मिलेंगी। तो दोस्तों ये जो जगह है ये पूरी साउथ इंडियन यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे कि आप नाम से पहचान गए होंगे। तो आगे और क्या क्या डिशेस अंदर अवेलेबल है ये हम जाकर पता करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से एंट्रेंस है, जैसे आप देख सकते हैं ये है काउंटर यहाँ का, जहाँ पर डिशेस बनाई जाती हैं, तैयार की जाती है। और काफ़ी सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदे काम करते हैं। और ये है सिटिंग एरिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है। एक साथ तकरीबन 50 से 80 लोग बैठ सकते हैं आराम से। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल पटेल है। ओके। और हमारा यहाँ 4 तारीख के ओपनिंग थी विशेष श्रीजी फैंसी डोसा। सबसे पहले बताइए कि ये जो आपने आपका जो रेस्टोरेंट है वो किस नाम से? श्रीजी फैंसी डोसा। श्रीजी फैंसी डोसा। हाँ। ओके। तो ये आपने कब से शुरुआत किया इसका? 4 और 3 तारीख को। ओके। 3 मार्च। ओके। मतलब अभी कुछ ही हफ्ते हुए। ओके। तो ये आपके आउटलेट में क्या क्या है, क्या कौन सी डिशेस मिल जाएंगी? मेरे पास मैसूर है, मसाला है, पेपर डोसा है, फैंसी डोसा में चीनी रोल है, पालक पनीर है, राजा रानी है, श्रीजी स्पेशल है, और चिल्ड्रन के लिए चॉकलेट पेपर है, चीज पेपर है वगैरह। 45 आइटम है मेरे पास। 45 आइटम है टोटल मिला के। और यहाँ पर कोई ऐसा कोई आइटम है स्पेशल? श्रीजी स्पेशल। उसमें क्या रहेगा? उसमें मिक्स वेजिटेबल आता है। मिक्स वेजिटेबल और वो डोसे में आएगा। हाँ। ओके। और टाइमिंग वगैरह क्या है यहाँ का? मेरे शाम को 7 बजे से 11 बजे तक। ओके। अगर किसी को आपके यहाँ आना हो टेस्ट करने तो ये कौन सा एड्रेस होगा एग्जैक्ट? नीलंबर सर्कल गोकुल पाल्ट के प्लॉट के सामने, वासना रोड। ओके। वडोदरा। और गाइस ये है कुछ किचन का सेटअप। और वहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 5 तवा लगे हुए हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी सिगड़ियाँ लगी हुई हैं। तो वहाँ पर बनता है डोसा और बाकी सारी चीज़ें। और ये काउंटर जो है ये सारा मसालों का है, चीज़ वगैरह मसाले यहाँ पर रखे जाते हैं। और यहाँ पर होता है चॉपिंग, सारी कटिंग वगैरह यहीं पर होती है। और वहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हो रहा है पानी, तवे पर जो पानी आप देख रहे हैं उसके अंदर जो बर्तन है वहाँ पर बैटर बना हुआ है, तो वो उसमें तैयार हो रहा है, उसे गर्म पानी में रखा जाता है, जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर तैयार होती है सांभर और मैसूर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्पेशल डिश बन रहा है इनका, जो कि हम देखेंगे। तो भैया ये क्या बन रहा है यहाँ पर? श्रीजी स्पेशल फैंसी। ये आपने डाला है दही शायद, वो चीज़ है। आएंगे। तो इसमें क्या क्या आपने डाला है भैया? इसमें डाला वेजिटेबल है, चीज़ है, पनीर है। और वेजिटेबल, चीज़, पनीर, गोभी है। ओके। इसके ऊपर काजू द्राक्ष आएगा, भरपूर चीज़ आएगा। इस पर काजू द्राक्ष हो और भरपूर चीज़ है, चीज़। भरपूर चीज़ आएगा। ओके। और इसको बनने में कितना वक्त लगता है? बस 2-3 मिनट। 2-3 मिनट। तो गाइज ये श्रीजी स्पेशल है, मैंने पहली दफ़ा देखा है ऑनेस्टली, तो बट मज़ेदार लग रहा है और टेस्टी लग रहा है। अब डाला जाएगा काजू और द्राक्ष। द्राक्ष मतलब अंगूर, किशमिश। ओके। और ये चीज़ है। ओके। तो गाइस ये चीज़ भी आ गया है और ये भर चुका है पूरी तरह से। अब और ये हरा धनिया ऊपर से आ गया है। अब इसे कटिंग किया जाएगा,
इसके चार हिस्से होंगे, चार। तो इससे चार, इसके चार हिस्से किए जाएंगे। और ये हो चुका है तैयार, लगा दीजिए। तो गाइस ये श्रीजी स्पेशल तैयार है और इसे त्रिकोणी में सर्व किया जाएगा। इसके ऊपर से और भी चीज आएगी। ओके, इसके और ऊपर, इसके ऊपर और भी चीज डाला जाएगा। बीच में आपने टमाटर कुछ रखा है? तैयार है। पनीर मसाला, ये क्या डाला आपने? ये आलू का बना हुआ मसाला है। आलू का अपना मावा है। ओके, गार्लिक लग गया, ये गार्लिक हो गया। और अब डाले, ये क्या चीज है? ये पनीर है, पनीर मसाला है ना। ओके, ये पनीर है, इसके ऊपर से पनीर चला जाएगा। काफी सारा पनीर आ चुका है अभी, तो ये काफी बड़ी बड़ा बनेगा। तो एक एक में कितने बंदे खा सकते हैं? दो, मतलब एक में दो बंदे आराम से खा सकते हैं। इतना बढ़िया बनेगा और बहुत सारा बनेगा। खाने वाले के ऊपर कोई तो एक भी एक ही खाता है, कम खाने वाला होता है उसके दो हो जाते हैं। इसका नाम क्या बताया डिश का? पनीर मसाला। तो पनीर मसाला अभी बनने जा रहा है, जिसमें ढेर सारा पनीर ऑलरेडी डाल चुके हैं हम लोग। और क्या क्या डलेगा अभी इसमें? पनीर आएगा, मतलब पनीर आएगा। अब इसमें मसाले भी गिरेंगे, मसाला कुछ भी, मसाला तो मैं। ओके, तो ये है पनीर मसाला। मिक्स डोसा बनने जा रहा है, मिक्स डोसा अभी जाएगा, मिक्स डोसा। अरे इसे तो बना। और गाइस एक तरफ बन रहा है मिक्स डोसा, एक तरफ बनने जा रहा है, तो हम दोनों तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर बटर डाल दिया गया है, तो बटर डालने का तरीका भी अलग ही है। ये कैप्सिकम डाल दिया है यहाँ पर एक और चीज डाल दिया जा रहा है। यहाँ पर हरा धनिया, और यहाँ पर भी हरा धनिया डाल दिया गया, और साथ में पालक, पतली कटी पालक। और यहाँ पर डोसा तैयार हो रहा है, यहाँ पर भी पनीर बहुत सारा डाल दिया गया है। यहाँ पर पनीर डोसा रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मिक्स डोसा बन रहा है। अभी सॉस क्रीम डाल दिया गया है, मसाले आएंगे। यहाँ पर गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, और इसे ठीक तरह से मिक्स किया जाएगा। गाइस ये है सांभर, ये रोजाना ये एक पूरा पतीला बनता है, देख सकते हैं आप। एक तकरीबन मेरे ख्याल से 50 से 60 लीटर के ऊपर है, तो रोजाना ये फुल ख़त्म होता है। काफ़ी सारा क्वांटिटी है ये।
गाइस इसे कहते हैं मैसूर और इसे प्ले पेपर डोसा के साथ खाया जाता है और ये रोज इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा बनता है जो आप देख रहे हैं ये पूरा बर्तन फुल होता है तो इसे खाया जाता है पेपर डोसा के साथ। हाँ जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम पटेल खुशी है। ओके तो खुशी बहन आपने आज क्या टेस्ट किया यहाँ पर? मैंने मैसूरी डोसा फिर राजा रानी रोल। ओके तो आपको टेस्ट कैसा लगा यहाँ पर? एकदम सुपर था। okay. बहुत ही अच्छा था। वैसे आप कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर? आज फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ। अच्छा लगा? हाँ बहुत ही टेस्ट वाला बहुत ही जोड़ा था। अपना नाम बताइए। तुषार पटेल। तुषार भाई कितनी दफा आए आप यहाँ पर? बस मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर आपने क्या खाया आज? मैंने यहाँ पर स्प्रिंग रोल ट्राई किया है, मैसूर मसाला ट्राई किया है। ओके टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और पूरे बड़ोड़ा में सबसे अच्छा मिलेगा यहाँ पर और क्लीन भी है सब। ओके जैसे कि मुझे यहाँ के ऑनर ने बताया कि ये 2-3 हफ्ते पहले ही खुला है। जी सर। तो आप रेकमेंड करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में? फैमिली मेरे सारे फ्रेंड सर्कल को और सब बड़ोड़ा वासी को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बार जरूर ट्राई किए और मटेरियल क्वालिटी सब अच्छा यूज़ करते हैं। ओके और स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। तो गाइस ये था श्री जी फैंसी डोसा जो कि वडोदरा के वास्नोड विस्तार में है, गोकुल पार्टी प्लॉट के सामने, नीलांबर सर्कल के पास।